अस्सलामुअलैकुम, मैं क्यू एम रामे यानी कासिम मुमताज रामे और आप देख रहे हैं काफ कहानियाँ। आज की कहानी हो सकता है बहुत लंबी कहानी हो जाए, हो सकता है मुख्तसर सी रहे। आज की कहानी सफ़र की कहानी है। मैं जा रहा हूँ क्वेटा और ये मेरा टूर है कोई तकरीबन 5 दिन का। ऑफिस के काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। मुख्तलिफ सरप्राइजेज़ आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। उन सरप्राइजेज़ को देखने के लिए आपको रहना पड़ेगा पूरी वीडियो में मेरे साथ। और अभी हो गए सुबह के 7:30-9 बजे की फ़्लाइट है। आई एम रेडी, लगेज रेडी। तो अभी हम चलते हैं एयरपोर्ट पे और आगे क्या क्या होता रहेगा उसको देखने के लिए मेरे साथ रहिए वीडियो में। तो चलते हैं। क्वेटा पहुंच चुके हैं, अभी लेते हैं सामान, उसके बाद चलते हैं होटल में। फिर मैं दिखाता हूँ कि हमारा स्टे कहाँ पे है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो काफ़ी 8 साल पुरानी बात है। एयरपोर्ट बहुत पुराना था लेकिन अभी नया बन गया है और बहुत खूबसूरत बना है। अल्हम्दुलिल्लाह होटल पहुंच गए। होटल बहुत खूबसूरत है, पुरानी तर्ज पे ये बना हुआ है, लूड्स होटल क्वेटा में। लश ग्रीन लॉन्स हैं, पीछे बहुत खूबसूरत पहाड़ का एक मंज़र है और काफ़ी खूबसूरत ये बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा होगा स्टे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम कौन सा है मेरे पास। तो चलते हैं रूम की तरफ। पुरानी साख्त पे बना हुआ बड़ा खूबसूरत और डिसेंट सा है। आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। ये है जनाब यहाँ पे वॉशरूम, ये देखें शीशे पूरे पूरे। बाथटब भी है और ये कुछ इस तरह का खुला सा ये वॉशरूम है। और ये साथ दरवाजे की चूं चूं भी है। अभी करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज क्या क्या करना है। हम 5 दिन यहाँ पे स्टे है मेरा और साथ हमारे ऑफिस का एक इवेंट है वो अटेंड करना है। उसमें से कुछ ग्लिम्स आपको दिखा दूंगा। अगर कुछ एक्सप्लोर करता रहा यहाँ के खाने, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, किसी से मुलाकात होती है तो वो भी आपको दिखाऊँगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जनाब सीन ये हुआ है कि आगे थोड़ी देर किया रेस्ट, उसके बाद हुए फ्रेश और उसके बाद किया लंच, वो भी कोई 3:30 के करीब। तो अभी मैं लॉन में आके बैठ गया हूँ यहाँ पे और साथ चलेगा दौरा चाय का। ये एक चीज़ जो मैंने कमरे में
जाने के बाद रियलाइज़ की कि जब मैं 8 या 7 साल पहले आके यहाँ पे रुका था क्वेटा में, इसी होटल में रुका था, और आज भी मुझे सेम वही रूम मिला है जहाँ पे मैं 8 साल पहले आके रुका था। अभी मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, हवा चल रही थी पहले, अभी थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन बादल शादल हुए हैं, हो सकते हैं बारिश भी हो। तो अभी तक की अपडेट है ये, अभी नेक्स्ट कुछ होता है तो फिर मैं बताता हूँ आपको। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी भी लगी यहाँ पे, वो ये कि यहाँ पे दरख्तों के ऊपर मैंने काफ़ी परिंदों के लिए शेल्टर बॉक्सेस बने हुए देखे हैं, ताकि कोई मौसम ख़राब होता है या मौसम बहुत सख्त होता है तो परिंदे उन बॉक्सेस में आके शेल्टर ले सकें, पनाह ले सकें। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने आपको कहा था कि बारिश का मौसम बनने वाला है, और आज हमारे आते ही यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पीछे अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है, और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है आज। तो अभी मैं कमरे में था, मुझे आवाज़ आई बारिश की, तो मैंने कहा कि इसे भी फ़ौरन कैप्चर कर लिया जाए कि अभी बाकी जो 2-4 दिन हैं उनके अंदर हमें बारिश यहाँ पे मिलती है या नहीं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त माहौल बन गया है यहाँ पे एकदम ही। अंधेरा हो गया, मतलब रात हो गई है, और अभी सीन ये है कि हम जा रहे हैं खाना खाने। अभी बज गए रात के 11:30, और हम गए थे अभी खाना खाने के लिए। सारा दिन की मसरूफियात से फारिग होके खाना खाने गए हम बाहर। खाना खाने हम गए थे जनाब लेडी सज्जी पे, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट प्लेस जो कि मशहूर है सज्जी के हवाले से यहाँ पे क्वेटा में। खाना मज़े का था, अगर टाइम मिला तो मैं इसका एक अलहदा से फूड रिव्यू का एपिसोड बनाऊँगा, और उसे मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। और अभी टाइम हो गया है सोने का, कल की रूटीन क्या होगी वो कल ही पता चलेगी। तो गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। अगला दिन हो गया है जी शुरू, अभी किया नाश्ता मैंने। नाश्ता यहाँ का बड़ा ट्रेडिशनल सा है, यहाँ पे लूट्स में जब भी आके रुकते हैं तो यही नाश्ता हमें मिलता है। लेकिन इस नाश्ते की एक खसूसियत ये है कि पराठे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो अब होते हैं तैयार और अगले कामों की तरफ बढ़ते हैं जो आज के दिन में होने हैं। तो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं क्या क्या मिलता है आज के दिन में, क्या क्या सरप्राइजेस मिलते हैं आज के दिन में। अभी की है नाइयां तो यहाँ करके हो गए हैं रेडी, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ। वो है मीटिंग, हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस इवेंट के, उनके साथ मिलना है, तो अभी चलते हैं उधर। जनाब जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि आज मैनेजमेंट टीम के साथ मीटिंग है, तो मैनेजमेंट टीम के साथ मीटिंग की, उसके बाद हम चले गए जो हमारा इवेंट होना है उसका वेन्यू देखने। इवेंट होगा हमारा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज, जिसे ब्योटम्स भी कहते हैं, उसके मारखोर हॉल में। और मैं आई वॉज अमेज टू सी के बलूचिस्तान में, जिसे अमूमन दूसरे हिस्सों में पाकिस्तान के बैकवर्ड समझा जाता है या इतना डेवलप नहीं समझा जाता, यहाँ पे जो इनका यूनिवर्सिटी का माहौल है और जो इसका ये ऑडिटोरियम है मारखोर, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, और मतलब किसी भी डेवलप्ड सिटी के किसी इवेंट हॉल से भी बढ़ के था। तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे थोड़े से इंतज़ाम देखे, उसके बाद जनाब भूख से बुरा हाल था तो हम चले गए खाना खाने के लिए। खाना खाया हमने आज काबुली डोडई होटल है यहाँ पे एयरपोर्ट रोड के ऊपर। यहाँ पे आपको ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स एयरपोर्ट रोड पे ही ऐसे मिलेंगे। तो जनाब इसका
एम्बियंस जो था वो बहुत ही आउट क्लास था। उन्होंने बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का बनाया हुआ है, जैसे अफगानिस्तान में हो सकता है। मैं अफगानिस्तान गया तो नहीं, लेकिन यहाँ पे सिटिंग ग्राउंड पे थी, मतलब फ्लोर सिटिंग थी। और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसे बनाया हुआ था। यहाँ से हमने खाया जनाब मटन रोश और काबली पुलाव, और यू कांट इवन इमेजिन दैट टेस्ट वाज जस्ट ऑसम। और उसके बाद जो ट्रेडिशनल प्याली होती है पंजाब में, हमने गांव में अपने जब छोटे होते थे तब इन प्यालियों में चाय पिया करते थे, यहाँ पे भी उसी तरह से प्याली में मैंने चाय पी और चाय का टेस्ट भी जैसे बहुत ज़बरदस्त था, जिसे मैं कह सकता हूँ कि टेस्ट वाज जस्ट ऑसम। और सबसे आखिर पे जनाब जो आखिरी एक्टिविटी थी वो ये थी कि हमें मौका मिला गवर्नर हाउस बलूचिस्तान को विज़िट करने का। छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे आज हमने मुलाकात की सिटिंग गवर्नर जो है अब्दुल वली खान काकड़ साहब, उनसे भी मुलाकात हुई। और अब फाइनली आई एम बैक इन माई रूम। मेरा ख्याल है कि ये एपिसोड 1 जो है क्वेटा सीरीज़ की, ये बहुत तवील हो गई है, इसे मैं करूँगा यहीं पर ख़त्म। अगली एपिसोड शुरू करूँगा कल से। तो आपके सामने एक रिक्वेस्ट आ रही होगी, इसके ऊपर ज़रूर अमल कर लें। और जनाबे वाला फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना ना भूलें। आपसे मुलाकात करता हूँ अगली एपिसोड में। जीउंदे रहो, हंसते रहो, ते सदा वसदे रहो। काफ कहानियां। अल्लाह हाफिज़।